यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो खत्म करने वाले हमारे मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अभी तक जो है वो हम लोग जो है वो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के हमने काफी कुछ पोर्शन हमने पढ़ा, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो पहली बात, तो लॉजिस्टिक का मतलब क्या था हमने कवर किया, कि कंपनी के अंदर सामान लाना और कंपनी से सामान को बना के बाहर लेके जाना, ये सब किसके अंदर था आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में। बट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को अब हम पढ़ते हैं किसके अंदर, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि लॉजिस्टिक के अंदर तो ओनली सामान की चर्चा की जाती थी, लेकिन उसको किस तरीके से मैनेज करना आपको वो सब हम पढ़ते हैं किसके अंदर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, ये हमने कर लिया। इसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, एक होता है आपका इनबाउंड, एक होता है कौन सा आउटबाउंड। कंपनी के अंदर सामान लेके आना, मटेरियल कंपनी के अंदर लेके आना बोले तो इनबाउंड लॉजिस्टिक, कंपनी में उस मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके उसको फिर बाहर लेके जाना, कस्टमर की डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। फिर हम लोगों ने जो है वो पढ़े थे 7R के बारे में, 7R हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने ये बोला था कि राइट प्रोडक्ट को राइट क्वांटिटी में राइट कंडीशन में राइट प्लेस पर राइट कस्टमर राइट टाइम एंड राइट प्राइस पर पहुंचाना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दीज ऑल आर द 7R ऑफ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो है वो ILS पढ़ा, ILS बोल दो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बेसिकली ये देखा था कि किस तरीके से कंपनी जो है वो अपने पूरे लॉजिस्टिक मैनेज लॉजिस्टिक को मैनेज करती है विद द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हमने पढ़ लिया था। देन इसके बाद में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था मार्केट लॉजिस्टिक के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या, तो ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया था कि हमारे जो कोस्ट है चार तरह की, उन सारी की सारी कोस्ट को क्या करना है, कम करना है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे M बोले तो टोटल मार्केट लॉजिस्टिक कोस्ट ऑफ द प्रपोज सिस्टम, और वो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू टोटल फ्रेट कोस्ट बोले तो T, FW बोले तो टोटल फिक्स वेयरहाउस कोस्ट ऑफ द प्रपोज सिस्टम, फिर VW बोले तो टोटल वेरिएबल वेयरहाउस कोस्ट ऑफ द प्रपोज सिस्टम, एंड S बोले तो टोटल कोस्ट ऑफ द लो सेल ड्यू टू एवरी डिलीवरी डिले अंडर द प्रपोज सिस्टम। ये सारा टॉपिक हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिया था। तो सर, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 9 को ओवर करेंगे, और जो हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है बोले तो मार्केट लॉजिस्टिक डिसीजन, इसको आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, अपने नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने को ये वाला टॉपिक जो है वो क्या करना है, कवर करना है। ओके, हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको मैं, अगर आप लोग भी अपकमिंग नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है नेट एग्जाम का ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 कॉमर्स का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं, जिसपे आप घर पे बैठे बैठे नेट की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 दोनों के मिला के, विद प्रैक्टिस MCQs जो है वो भी आपको मिलेगा, और साथ में मिलेगा आपको स्टडी मटीरियल हार्ड कॉपी में। बहुत जैसे बच्चों की बहुत कंप्लेंट आती है कि स्टडी मटीरियल जो है सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि वो देखिए एक तो मोबाइल के अंदर है, एक आपके पास फिजिकल कॉपी जब सामने पड़ी होती है तो पढ़ने का अलग ही मजा है उस चीज का। तो हम लोग जो है वो सारा का सारा स्टडी मैट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लाइक मैं आपको दिखा दूं, जैसे अभी हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा मैनेजमेंट का मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो ये मार्केटिंग का अपना स्टडी मटेरियल है, ठीक है, ये मार्केटिंग हमारी बुक है, कलर्ड बुक है, A to Z टॉपिक हमने इसके अंदर जो है वो कवर किया हुआ है। इसी तरीके से आपको रिमेनिंग जो 9 यूनिट्स है उनके मिलेगी, और पेपर नंबर 1 का भी लाइक ये, जैसे ये एक बुकलेट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का, इसी तरीके से आपको सारी की सारी जो है वो बुकलेट्स मिलेंगी किसकी, पेपर नंबर 1 की भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। डेमो के लेक्चर ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं काफी सारे, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइएगा मोहित शर्मा क्लासेस, वहां पर आपको देखिएगा और आपको मिलेंगे बहुत सारे लेक्चर, तो आप उनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से हम पढ़ाते हैं। ओके, हाँ जी, चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक। टॉपिक का नाम है मार्केट लॉजिस्टिक डिसीजन। मार्केट लॉजिस्टिक डिसीजन, बेसिकली जो लॉजिस्टिक मैनेजर्स होते हैं, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम संभालते हैं, तो उन लोगों को जो है वो चार तरह के मेजर डिसीजन लेने होते हैं अबाउट द मार्केट लॉजिस्टिक के बारे में, ठीक है। वो कौन कौन से, सबसे पहला, हाउ शुड वी हैंडल द ऑर्डर, किस तरीके से अगर मान लो कंपनी के अंदर कोई ऑर्डर आता है तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। सबसे पहला तो ये आपको डिसीजन लेना होता है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसा होगा। देखिएगा, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं, किस तरीके से उसको प्रोसेस में लेके आएंगे, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। लेट नहीं होना चाहिए, जितना आपने लेट कर दिया तो उतना ही जो है कस्टमर का आपके ऊपर भरोसा थोड़ा उठ जाएगा, और फिर उसे होगा क्या कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर उसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा डिसीजन आपको लेना होता है, हाउ वेयर शुड वी लोकेट आवर स्टॉक, हमको हमारा स्टॉक कहां पे लोकेट करना चाहिए, हमको बहुत सारे वेयरहाउसेस जो है वो अपनाने चाहिए, या हमको सेंट्रलाइजेशन जो है वो उसका अडॉप्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में अपने को डिसीजन मेकिंग करनी होती है। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या,
हाउ मच स्टॉक शुड वी होल्ड, कितना इन्वेंट्री हम लोगों को जो है वो क्या करना है, होल्ड करना है। तीसरा डिसीजन अपने को ये लेना होता है। और आखिरी डिसीजन है हाउ शुड वी शिप दी गुड्स, किस तरीके से हम हमारे सामान को जो है वो कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो उसके बारे में अपने को डिसीजन मेकिंग करनी है। ओवरऑल मिलाकर के चार बेसिकली डिसीजन अपने को जो है वो लेने होते हैं, क्या करने के लिए, टू इंप्रूव द मार्केट लॉजिस्टिक। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डिसीजन जो आपको लेना है वो है क्या, ऑर्डर प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग। बोलो तो हाउ शुड वी हैंडल, किस तरीके से हम ऑर्डर्स जो है हमारे उनको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। आइए पढ़ते हैं। बोलता है मोस्ट कंपनी टुडे आर ट्राइंग टू शॉर्टन द ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल। बहुत सारी कंपनीज जो है वो आज की डेट में क्या कर रही है, शॉर्टन कर रही है, कम कर रही है, किसको, ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल को। ऑर्डर टू पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही ऑर्डर आया तब से लेकर के कब तक जो आपका कस्टमर है वो आपको पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा, ये जो पीरियड होता है टोटल, इसको जो है वो कंपनी चाहती है कि हम इसको क्या करते हैं, शॉर्टन कर दें, ताकि कस्टमर इमीडिएटली ऑर्डर कर पाए और कस्टमर को इमीडिएटली जो है वो सारी प्रोसेसिंग वो कर सके। डेट इज द इलेप्स टाइम बिटवीन, जो टाइम था बिटवीन एन ऑर्डर रिसिप्ट, आगे फिर डिलीवर करना, फिर पेमेंट होना, ये सब टाइम को हम लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, शॉर्टन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, शॉर्टन। शॉर्टन क्यों, हम जितना ये कम होगा उतना जल्दी आपकी क्या होगी, सेल होगी, और उतना अर्ली ही आपको जो है पैसा क्या होगा, रिकवर होगा। ये ध्यान रखिएगा। आगे दिस साइकिल हैज मेनी स्टेप, ये जो साइकिल है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग का, इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग द, सबसे पहले ऑर्डर को ट्रांसमिट किया जाता है बाय द सेल्स पर्सन। जो सेल्समैन होता है वो ऑर्डर को पहले ट्रांसमिट करता है, मतलब जैसे उसके पास में ऑर्डर है तो वो उसको जो है वो देगा आगे कंपनी को। देन फिर कंपनी उसको क्या करती है, उस ऑर्डर की एंट्री करती है, फिर कस्टमर का क्रेडिट चेक करती है कि क्या कस्टमर जो है अगर उधार में सामान ले रहा है तो क्या कस्टमर बेसिकली हमारे पैसे भी वापस चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा, तो इसके बारे में भी कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है। देन फिर कंपनी चेक करती है अपना इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग देखती है, अगर सामान पड़ा है तो इन्वेंट्री में से चेक करेंगे, नहीं पड़ा तो उसको बनाना पड़ेगा, तो फिर प्रोडक्शन का शेड्यूलिंग किया जाता है। देन ऑर्डर एंड इनवॉइस का शिपमेंट काटा जाता है, एंड देन रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट होती है, जब आपने सामान को भेज दिया देन उसके बाद में पेमेंट क्या होती है, रिसीव होती है। अब इतने सारे स्टेप आपको करने होते हैं, और कंपनी हमेशा ये चाहती है कि जितना हो सके ये सारे स्टेप में लगने वाले वक्त को हम क्या कर दें, कम कर दें, जिससे कस्टमर का ध्यान भटके ना, कस्टमर हमारे साथ बना रहे। द लोंगर द साइकिल, जितना ये साइकिल जो है वो क्या होगा, लोंगर होगा, द लोअर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होगा, एंड द लोअर द कंपनी प्रॉफिट, और उतना ही कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। जनरल इलेक्ट्रिक ऑपरेट करती है, एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक और वो ऑपरेट करती है एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट चेक द कस्टमर क्रेडिट स्टैंडिंग अपॉन रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, जैसे ऑर्डर रिसीव होगा इमीडिएटली वो कस्टमर का जो है वो क्रेडिट जो है वो चेक कर लेंगे, देन डिटरमाइन करेंगे वेदर एंड वेयर द आइटम आर इन स्टॉक, दे कंप्यूटर इशू करेगा ऑर्डर टू द शिप्स, बिल द कस्टमर, अपडेट द इन्वेंट्री रिकॉर्ड, सेंड ए प्रोडक्शन ऑर्डर फॉर द न्यू स्टॉक एंड रीले द मैसेज बैक टू द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दैट द कस्टमर ऑर्डर ऑन इट्स वे। और इसके अंदर टोटल मिला के कितना टाइम लगता है उनका, 15 सेकंड। जैसे आप देखिएगा मिंत्रा के ऊपर हम लोग अभी शॉपिंग करते हैं, तो जैसे हम लोग जो है मिंत्रा के ऊपर क्या कहते हैं शॉपिंग करते हैं, आपने जो है पहले अपने कार्ट में डाला, वहां से जैसे आप उसको ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, डिटेल्स डालिए, इमीडिएटली वो आपको बता देगा कि आपको कितने दिनों के अंदर जो है ये सामान आपको एक्सपेक्टेड जो है वो शिप्ड हो जाएगा। अब ये देखो ये सब काम में क्या घंटों लगते हैं क्या आपको, नहीं सर, जैसे हम ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं तो वो बता देगा भाई ये आइटम आपको जो है वो 1 वीक में या 10 डेज में या 8 डेज के अंदर आपके होम एड्रेस पे शिप्ड कर दी जाएगी। तो जितना हो सके ये ऑर्डर डिलीवरी टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हो गया क्या आपका, क्या ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो जितना हो सके यहाँ पे कंपनी को डिसीजन मेकिंग करना होता है कि जितना हो सके ऑर्डर प्रोसेसिंग में लगने वाले वक्त को अपने को क्या करना है, शॉर्टन करना है, क्योंकि जितना ये टाइम शॉर्टन होगा उतना कस्टमर का फेथ, उतना कस्टमर का लॉयलिटी आपके साथ बना रहेगा, और उतना ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और जितना ये टाइम आप लंबा कर दोगे उतना ही उसके ऊपर बैड इंपैक्ट पड़ेगा। चलो जी ये तो पहला हो गया। सेकंड डिसीजन जो लेना होता है वो है ये, वे शुड वी लोकेट आवर स्टॉक, हमको हमारे सामान को कहां पे लोकेट करना है, ये है आपका बेसिकली वेयर हाउसिंग से। देखो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कंपनी सामान बनाए और बनाती वो इमीडिएटली क्या हो जाए, बिक जाए, ऐसा नहीं होता है। कंपनी को बहुत सारा सामान बना बना के अपने पास में वेयर हाउस भी करना पड़ता है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होती है। पढ़ेंगे, बोलते हैं एवरी कंपनी मस्ट स्टोर फिनिश गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड, हर कंपनी को जो है वो स्टोर करना पड़ता है फिनिश गुड्स जब तक वो बिकता नहीं है, बिकॉज क्योंकि
प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन साइकिल रेयरली मैच, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन साइकिल बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो मैच करे, बहुत ही कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पता नहीं कब हो रहा है और कंजम्पशन पता नहीं कब होगा, तो ये चीज दोनों साइमल्टेनियसली हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस स्टोरेज फंक्शन हेल्प टू स्मूथ जो स्टोरेज फंक्शन है सामान को अपने पास स्टोर कर रखना, वो हमको मदद करता है क्या करने में, स्मूथली स्मूथ करने में, किस चीज को, जो डिस्क्रिपेंसी होती है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द क्वांटिटी डिजायर्ड बाय द मार्केट। द कंपनी मस्ट डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ इन्वेंट्री स्टॉकिंग लोकेशन, कंपनी को यहां पे डिसाइड करना पड़ता है किसके बारे में, ऑन द नंबर ऑफ इन्वेंट्री स्टॉकिंग लोकेशंस के बारे में, कि हमको कहां कहां पे सामान को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। कंज्यूमर पैकेज गुड्स कंपनी हैव बीन रिड्यूस देयर नंबर ऑफ स्टॉकिंग लोकेशन 10 से 15 टू अबाउट 5 से 7। पहले नंबर ऑफ स्टॉकिंग लोकेशन ज्यादा थी तो अब उनको वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि जितना अगर आप अलग अलग जगह पे सामान को रखोगे तो एक तो देखो वेयर हाउसिंग का खर्चा बढ़ गया, दूसरा ये कई बार क्या होता है एक सामान जिसकी रिक्वायरमेंट एक ही थी और वो आप अलग अलग जगह पे आपने रखा तो आप डबलिंग कर देते हो उसकी, तो बेफालतू में हमारा कॉस्ट जो है वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। एंड फार्मास्यूटिकल एंड द मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने जो स्टॉक लोकेशन है उनको कट कर रहे हैं, किससे, 90 से कम करके कितना कर दिया, 45 कर दिया। ऑन द अदर हैंड मोर द स्टॉकिंग लोकेशन, अब ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बोलते जितना स्टॉकिंग लोकेशन ज्यादा होगा मीन्स द गुड्स कैन बी डिलीवर टू द कस्टमर मोर क्विकली, तो उतना ही जल्दी सामान जो है वो कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है, बट इट ऑल्सो मीन्स हायर वेयर हाउसिंग एंड द इन्वेंट्री कॉस्ट, लेकिन इसके अंदर आपका वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री कॉस्ट भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टू रिड्यूस द वेयरहाउसिंग, रिड्यूस करने के लिए वेयरहाउसिंग एंड इन्वेंट्री डुप्लीकेशन कॉस्ट, कंपनी माइट सेंट्रलाइज इट्स इन्वेंट्री इन वन प्लेस एंड यूज द फास्ट ट्रांसपोर्टेशन टू फिल द ऑर्डर, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अपने वेयरहाउसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कंपनी को सेंट्रलाइज करना चाहिए अपने इन्वेंट्री को इन वन प्लेस, एक ही जगह पे कंपनी को सारा सामान रखना चाहिए, जो जिससे क्या होगा, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा टू फिल द ऑर्डर, क्योंकि एक ही जगह पे सामान होगा ना तो पता होगा अपने को कि कौन से सामान की तंगी है, कौन सा सामान हमारे पास नहीं है, तो इमीडिएटली आप ऑर्डरिंग भी कर सकते हो और एक ही जगह से जब सामान जाएगा तो वो बेटर भी रहेगा आपका। आगे सम इन्वेंट्री इज केप्ट एट और नियर द प्लांट, कुछ इन्वेंट्री को हम प्लांट के पास में रखेंगे, एंड रेस्ट इज लोकेट इन द वेयर हाउस, जिसको इमीडिएट यूज करना है प्रोडक्शन में, जिसका इमीडिएट यूज है उसको आप प्लांट के अंदर ही रखो, ठीक है, प्लांट के आसपास ही रखो ताकि उनको इजीली जो है वो मशीन तक लेके जाया जा सके, और जिसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट बाद में है तो उसको आप वेयर हाउस में रख सकते हो। द कंपनी माइट ओन, ऐसा भी हो सकता है कंपनी के खुद के प्राइवेट वेयर हाउस हो, और ऐसा भी हो सकता है कंपनी जो है वो पब्लिक वेयर हाउस को किस पे ले ले, रेंट पे ले ले। तो अब होते हैं आपके अलग अलग हैं, स्टोरेज वेयर हाउस जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है गुड्स फॉर मॉडरेट टू लॉन्ग पीरियड के लिए। स्टोरेज वेयर हाउसेस के अंदर आप लोग जो है वो सामान को पहुंचाते हैं किसके लिए, मतलब वहां पे स्टोरेज हाउस में जो आपने सामान को रखा तो उसका टाइम पीरियड रहेगा थोड़ा लंबा रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउस जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है उन गुड्स को फ्रॉम द वेरियस कंपनी प्लांट एंड सप्लायर एंड मूव देम आउट एज सून एज पॉसिबल। और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वेयर हाउसेस में जो सामान होता है वो जितना जल्दी वो मतलब जल्दी जल्दी सामान जो है वो पहुंचता रहता है। एंड जो ऑटोमेटेड वेयर हाउस होते हैं वहां पे क्या, ऑटोमेटिकली सामान जो है वो क्या रहेगा उसका, ऑटोमेटेड वेयर हाउस एम्प्लॉय करता है एडवांस्ड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल कंप्यूटर। तो ये आपका जो है वो अलग अलग तरह के क्या होते हैं, वेयर हाउस होते हैं। तो कंपनी को डिसीजन लेना होता है कि कंपनी जो है अपने वेयर हाउस में कितना सामान मतलब वेयर हाउस जो है वो कहां कहां पे बनाए, ठीक है, और किस किस वेयर हाउस में कौन कौन सा सामान रहना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए वेयर हाउसिंग का। आगे ये दो हो गया, पहला हमने डिसीजन किया, पहला जो था ना वो क्या था क्वेश्चन, हाउ शुड वी हैंडल द ऑर्डर, किस तरीके से हम ऑर्डर्स को हैंडल करेंगे, और दूसरा जो है वो है क्या, हाउ वेयर शुड वी लोकेट आवर स्टॉक, हम अपने स्टॉक को कहां पे लोकेट करेंगे, मतलब वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि वेयर हाउस में सामान तो रखना है, कितना रखना है, क्या कितना, तो उसके लिए आएगा हाउ मच स्टॉक शुड बी होल्ड, तो उसके लिए आएगा इन्वेंट्री डिसीजन, भाई कितना सामान हम अपने वेयर हाउस में अब रखेंगे। तो बोलता है इन्वेंट्री लेवल रिप्रेजेंट करता है एक मेजर कॉस्ट, जो इन्वेंट्री लेवल है वो आपकी एक कॉस्ट है बेसिकली, क्योंकि जितना इन्वेंट्री ज्यादा होगा उतनी आपकी कैरिंग कॉस्ट जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बोलता है सेल्स पर्सन वुड लाइक देयर कंपनी टू कैरी द एनफ स्टॉक टू फिल ऑल द कस्टमर ऑर्डर इमीडिएटली, जो सेल्स मैन होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि कंपनी के पास में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हो कि जैसे कोई ऑर्डर है हम इमीडिएट सामान को वहां से उठा के कस्टमर तक पहुंचा दें। बट हाउएवर दिस इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा सामान अपने पास बना बना के रख लिया तो आपकी कॉस्ट भी उसमें क्या आएगी, ज्यादा।
इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज एट एन एक्सेलरेटिंग रेट एट द कस्टमर सर्विस लेवल अप्रोच 100%. मैनेजमेंट नीड्स टू नो हाउ मच सेल्स एंड द प्रॉफिट वुड इंक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ द कैरिंग लार्जर इन्वेंट्री एंड प्रोमिसिंग फास्टर ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स एंड देन मेक ए डिसीजन. इन्वेंट्री डिसीजन मेकिंग रिक्वायर नोइंग. इन्वेंट्री डिसीजन में हम ये देखते हैं कि अपने को पहले जानना होता है रिक्वायर नोइंग वेन एंड हाउ मच टू ऑर्डर, कि कितना कितना ठीक है कब और कितना अपने को क्या करना है ऑर्डर करना है. एज इन्वेंट्री ड्रॉस डाउन, जैसे इन्वेंट्री जो है वो अगर वो क्या हो गई है कम हो गई है, तो मैनेजमेंट मस्ट नो, मैनेजमेंट को मालूम होना चाहिए एट व्हाट स्टॉक लेवल टू प्लेस ए न्यू ऑर्डर, कि किस टाइम पे अपने को नया ऑर्डर क्या करना है प्लेस करना है. उस मूवमेंट को बोलते हैं रीऑर्डर पॉइंट, जहां पे अगर आपका स्टॉक उस लेवल पे आ गया तो आप दोबारा क्या करेंगे ऑर्डर करेंगे. दिस स्टॉक लेवल इज नोन एज द ऑर्डर और द रीऑर्डर पॉइंट एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ द 20. अगर कोई ऑर्डर पॉइंट है 20 का, इसका मतलब क्या मींस रीऑर्डरिंग व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 20 यूनिट. तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो क्या करेंगे रीऑर्डर करेंगे अगर हमारा स्टॉक जो है वो 20 से क्या हो गया कम हो गया. मतलब अगर आपका स्टॉक आपके पास पहले 80 यूनिट्स का स्टॉक था, अगर वो कम होता था 20 पे हो गया ना, तो अब आप वो है वो 20 यूनिट्स आपका रीऑर्डर पॉइंट है, 20 पे पहुंचते आप दोबारा से क्या करेंगे अब ऑर्डर देंगे. द ऑर्डर पॉइंट शुड बैलेंस द रिस्क ऑफ द स्टॉक आउट. ये जो ऑर्डर पॉइंट है वो आपको बचाता है किससे, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट. रिस्क ऑफ स्टॉक आउट का मतलब कि क्या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास मटेरियल खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, कि स्टॉक क्या हो गया आउट हो गया. अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ ओवरस्टॉक, और ओवरस्टॉक भी नहीं होना चाहिए, यू भी ना हो कि आप इतना भरमार रख लो कि तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाए. तो ये जो रीऑर्डर पॉइंट है वो आपको क्या करता है, इन दोनों में एक ट्रेड ऑफ बना के चलता है. The other decision, दूसरा डिसीजन जो है वो है इस हाउ मच टू ऑर्डर, कितना आपको ऑर्डर करना है. द लार्जर द क्वांटिटी ऑर्डर, जितना ज्यादा आप ऑर्डर करेंगे द लेस फ्रीक्वेंटली एन ऑर्डर नीड टू बी प्लेस, उतना जल्दी जल्दी आप जो है उतना कम आप जो है वे अगली बार जो है वो क्या करेंगे कि ऑर्डर को प्लेस करते हैं. तो बोलते हैं जितना ज़्यादा, अगर मान लो आपको 10,000 यूनिट पूरे साल में चाहिए, अगर आपने एक ही बार 5,000 यूनिट का ऑर्डर दे दिया तो आप 6 महीने के बाद ही आप दूसरा ऑर्डर क्या करोगे प्रोवाइड करोगे. ठीक है, तो बोलते हैं द कंपनी नीड टू बैलेंस, कंपनी को बैलेंस बना के चलना चाहिए बिटवीन द किसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ए मैन्युफैक्चर कंसिस्ट ऑफ सेटअप कॉस्ट. ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आती है, दो तरह की कॉस्ट आती है, एक आती है आपके सेटअप कॉस्ट और एक आती है कौन सी रनिंग कॉस्ट. इफ द सेटअप कॉस्ट, अगर सेटअप कॉस्ट जो है वो क्या है कम है, मतलब अगर जब आप सामान को बनाते हो तो उस टाइम पे उसकी जो सेटअप करने की जो कॉस्ट है ठीक है अगर वो आपकी क्या आ रही है कम आ रही है, तो मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस द आइटम ऑफन, तो वो जो है वो आराम आराम से धीरे धीरे जो है वो मतलब बारी बारी प्रोडक्शन करता रहेगा, क्योंकि सेटअप कॉस्ट तो है नहीं. जैसे मान लो कई बार कुछ चीजें ऐसी है कि मशीन शुरू करी काम हो गया, लेकिन कुछ मशीन ऐसी होती है कि उनको पहले गर्म करना होता है, बहुत देर जो है वो गर्म होगी और फिर कम से कम जो है वो 1,000 यूनिट्स का एक बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो जितना सेटअप कॉस्ट आपकी कम है उतना मोर फ्रीक्वेंटली आप लोग प्रोडक्शन करते रहोगे, क्यों, क्योंकि मशीन चलाई काम शुरू, मशीन चलाई काम शुरू. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले क्या होंगी, पहले मशीन गर्म होगी तो 1 घंटा मशीन को गर्म करने में लगेगा, और फिर आपने अगर एक यूनिट बनाई तो आपका 1 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग गया, नहीं लग गया, लग गया. तो बोलते जितना सेटअप कॉस्ट है वो क्या होती है कम होती है, उतना फ्रीक्वेंटली आप लोग जो है वो क्या करते हैं प्रोडक्शन करते रहते हैं. आगे इफ सेटअप कॉस्ट इज हाई, अगर आपके सेटअप कॉस्ट जो है वो क्या है हाई है, तो मैन्युफैक्चरर कैन रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बाय प्रोड्यूसिंग ए लॉन्ग रन, तो फिर वो क्या करता है उसको ज्यादा प्रोडक्शन करता है एंड कैरिंग द मोर इन्वेंट्री. क्योंकि अगर सेटअप कॉस्ट ज्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरर यही चाहेगा कि यार एक ही बार में सामान को बना लो ताकि मेरी कॉस्ट क्या हो जाए कम हो जाए. लेकिन अगर एक ही बार बना लिया तो बहुत सारा सामान आपको अपने उसमें रखना पड़ेगा, वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, तो आपकी वहां पर कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो बोलता है ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट मस्ट बी कंपेयर, जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको कंपेयर चाहिए विद द किससे, इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट से. द लार्जर द एवरेज स्टॉक कैरीड, जितना ज्यादा आप स्टॉक को कैरी करते हैं द हायर द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, उतनी आपकी इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट क्या होती है हायर होती है. दीज कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड द स्टोरेज चार्जेस, इस कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, मतलब आप जब इन्वेंट्री को होल्ड करते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उस कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, स्टोरेज चार्जेस, सामान को स्टोर करने के चार्जेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टैक्स एंड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलिसेंस. तो ये सब जो है वो आपकी कैरिंग कॉस्ट में आती है. कैरिंग कॉस्ट माइट रन एज हाई एज 30% ऑफ द इन्वेंट्री लेवल. दिस मीन्स दैट मार्केटिंग मैनेजर हु वांट देयर कंपनीज टू कैरी लार्जर इन्वेंट्री नीड टू शो दैट द ग्रेट लार्जर द इन्वेंट्री वुड प्रोड्यूस इंक्रीमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट टू एक्सीड द इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट. तो जितना आप अपने पास में ज्यादा इन्वेंट्री रखेंगे तो उतना आपका कैरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. तो आपको एक जुडिशियस डिसीजन लेना चाहिए कि आपको कितना जो है वो इन्वेंट्री को अपने पास क्या करना है स्टोर करके रखना है.
इसके बाद आखिरी जो डिसीजन है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, बोले तो हाउ शुड वी शिप दी गुड्स, कि सामान को कैसे शिपिंग करनी है, भाई पहुंचाना कैसे है। अब सामान को पहुंचाने के आपके पास पांच मोड होते हैं भाई, आप रेल के थ्रू भी, बस के थ्रू भी, शिप के थ्रू भी, वेसल जो आपके वेसल्स है उसके थ्रू भी, एयर के थ्रू भी, और पाइपलाइन के थ्रू भी सामान को क्या करते हो पहुंचा सकते हो। तो उसके बारे में आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है कि कौन से मोड को हम लोग जो है वो क्या करेंगे यूज करेंगे। तो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन चॉइसिस विल अफेक्ट द प्रोडक्ट प्राइसिंग, ट्रांसपोर्टेशन की जो चॉइस है वो अफेक्ट करती है प्रोडक्ट प्राइसिंग को। ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस, जैसे अब कई बार क्या होता है ना, देखिए हम लोग जब कोरियर करवाते हैं ना तो कोरियर के दो मोड है, एक तो है आपका बाय एयर और एक है आपका बाय सरफेस। सरफेस मतलब कि सामान जो है वो लेके जाएंगे कैसे, जैसे मान लो लोकल, जैसे मान लो हम हिसार के अंदर है तो हम डीटीडीसी वालों को देते हैं, ठीक है, हमने इनको अपना कोरियर दिया, बुक्स भेजी, बच्चों तक हमने डिलीवर करनी है, तो ये ना हमसे लेते हैं हम। अब हमने ऑप्शन जो ऑप्ट किया हुआ है वो है कौन सा हमारा, हमने लिया हुआ है बाय एयर का, इसका मतलब वहाँ पे बाय सरफेस जाएगा तो डिलीवरी टाइम है 7 days का, बाय एयर जाएगा तो डिलीवरी टाइम है 3 days का। अभी कोरोना के चलते तो चलो एयर चल नहीं रहा, सारा का सारा सरफेस पे हो रहा है, लेकिन वैसे उसमें डिलीवरी टाइम का इसमें सिस्टम होता है कि जब बाय एयर से सामान जाता है ना तो उसमें डिलीवरी टाइम आपका क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है कि आप क्या चाहते हो, सामान जल्दी देना चाहते हो, थोड़ा लेट भी चलेगा तो वो आपको देखना पड़ता है। तो बोलता है ऑन टाइम डिलीवरी परफॉर्मेंस एंड द कंडीशन ऑफ द गुड्स व्हेन दे अराइव, ऑल ऑफ व्हिच अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हर एक चीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन को क्या करती है अफेक्ट करती है। इन शिपिंग द गुड्स टू इट्स वेयर हाउस, जब आप शिप करते हैं गुड्स को कहां पे, वेयर हाउस में, डीलर्स को या कस्टमर को, कंपनी कैन चूज अमंग 5 ट्रांसपोर्टेशन मोड, तो कंपनी जो है वो 5 ट्रांसपोर्टेशन मोड को जो है वो क्या करती है सिलेक्ट करती है, लाइक रेल हो गया, लाइक एयर हो गया, लाइक ट्रक हो गया, लाइक वाटरवे हो गया, लाइक पाइपलाइन हो गया। जो शिपर होते हैं सामान को भेजने वाले कंसीडर करते हैं सच क्राइटेरिया, वो इन सब बातों को कंसीडर भी करते हैं कि स्पीड, कोई भी मोड है उसकी स्पीड मतलब वो जल्दी पहुंचाएगा लेट पहुंचाएगा, फ्रीक्वेंसी, डिपेंडेबिलिटी, कैपेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड कॉस्ट। फॉर स्पीड एयर रेल ट्रक आर द प्राइम कंटेंडर, स्पीड के लिए ये सब जो है वो प्राइम कंटेंडर है। इफ द गोल इज लो कॉस्ट, अगर आपका जो गोल है वो लो कॉस्ट है देन द चॉइस इज वाटर और पाइपलाइन, तो आप वाटर या पाइपलाइन के थ्रू जा सकते हो। आजकल एक बढ़िया सिस्टम आ गया वो क्या कंटेनराइजेशन का, इसमें क्या होता है बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें सामान होता है तो उसको भेजना भी बहुत ईजी रहता है। तो बोलते हैं शिपर आर इंक्रीजिंगली कंबाइनिंग 2 or more ट्रांसपोर्टेशन मोड, आजकल जो है वो 2 or 2 से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन मोड को भी क्या करते हैं फॉलो यूज करते हैं, लाइक एयर को भी ले लिया और वाटर को भी ले लिया। थैंक्स टू द कंटेनराइजेशन, कंटेनराइजेशन कंसिस्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द बॉक्सेस, बड़े बड़े आपने देखा होगा डॉक के ऊपर जो है जो कंटेनर पड़े होते हैं बड़े बड़े, कई मूवीज में आपने देखा होगा ना कि समुद्र है, समुद्र के पास में बड़े बड़े कंटेनर पड़े, वहां पे झगड़ा हो रहा होता है, बड़े बड़े कंटेनर उसमें स्मगलिंग का सामान होता है, तो उनको बोलते हैं कंटेनराइजेशन। तो उसमें क्या होता है कंटेनराइजेशन कंसिस्ट द पुटिंग द गुड्स इन द बॉक्सेस और द ट्रेलर डेट आर इजी टू ट्रांसफर बिटवीन 2 ट्रांसपोर्टेशन मोड। पिगी बैग एक सिस्टम है, पिगी बैग ये डिस्क्राइब करता था यूज ऑफ द रेल एंड ट्रक, पिगी बैग के अंदर हम जो है वो लेके आते हैं क्या रेल को या ट्रक को, फिशी बैग के अंदर हम क्या लेके आते हैं वाटर एंड ट्रक को, ट्रेन शिप में लेके आते हैं वाटर एंड रेल को, एयर ट्रक में लेके आते हैं हम क्या एयर एंड ट्रक को। ईच कोऑर्डिनेट मोड ऑफर द स्पेसिफिक एडवांटेज, हर एक के अपने कुछ जो है वो क्या है एडवांटेज। जैसे एग्जांपल दे रखा है पिगी बैग जो है उसमें क्या क्या था रेल था और ट्रक था, तो वो चीपर है देन द ट्रकिंग अलोन येट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। आगे शिपर जो है वो क्या करते हैं कैन चूज फ्रॉम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉमन कैरियर, शिपर इनमें से कुछ भी कर सकता है, अपना खुद का भी कर सकता है या बाहर वाले को किसी कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता है। इफ द शिपर ओन्स इट्स ओन ट्रक और एयर फ्रेट, अगर उसके खुद के जो है वो ट्रक है इट बिकम्स ए प्राइवेट कंटेनर, तो वो क्या बन जाएगा प्राइवेट कंटेनर। एक कॉन्ट्रैक्ट कैरियर कौन सा होता है इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सेल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू अदर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और आपने कोई सामान बाहर पहुंचाना है तो मैं बोलूंगा ठीक है मेरे ट्रक के अंदर आप लोड करवा दीजिए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट कैरियर। और कॉमन कैरियर इसमें क्या होता है कई सारे लोग जा रहे थे सामान को लेकर के आप बोले जी हमारा भी ले जाओ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या कॉमन कैरियर। कॉमन कैरियर प्रोवाइड सर्विस बिटवीन प्री डिटरमाइंड पॉइंट ऑन ए शेड्यूल बेसिस एंड इज अवेलेबल टू ऑल द शिपर एट द स्टैंडर्ड रेट टू रिड्यूस द कॉस्टली हैंडलिंग एट अराइवल। सम फर्म आर पुटिंग आइटम इन टू द शेल्फ रेडी पैकेजिंग सो दे डोंट नीड टू बी अनपैक फ्रॉम द बॉक्स एंड प्लेस ऑन द शेल्फ इंडिविजुअल, तो उसको वो शेल्फ के अंदर जो है इंडिविजुअली प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सब काम करके आप लोग जो है वो अपनी जो आपकी बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिकली आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी होती है किसके अंदर आपका, अगर हम बात करते हैं किसमें
मार्केट लॉजिस्टिक डिसीजन में। तो अब क्या क्या था, सबसे पहले तो ऑर्डर प्रोसेसिंग की, जैसे आपके पास ऑर्डर है तो आप उसको प्रोसेस कैसे करेंगे। दूसरा है वेयरहाउसिंग, कि आप उसकी वेयरहाउसिंग मतलब सामान जो है वो कहां पे रखेंगे। तीसरा इन्वेंटरी, कितना आप सामान आप अपने पास रखेंगे। एंड चौथा ट्रांसपोर्टेशन, सामान को आप आगे प्रोवाइड कैसे करवाएंगे। ओके हाँ जी, अब इसके बाद जो आएगा वो है जी लास्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन का लेसन, बेसिकली क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सब आपने पढ़ लिया, पूरा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पढ़ लिया, अब उसके बेस पर आपको क्या लेसन मिलता है बोले तो, जो मार्केटिंग मैनेजर है या जो बेसिकली इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करते हैं या इन्वेंट्री का काम संभालते हैं, उन लोगों के लिए क्या लेसन है। तो बोलते हैं मार्केट लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द बिजनेस स्ट्रेटजी रादर देन सोलली फ्रॉम द कॉस्ट कंसीडरेशन। द लॉजिस्टिक सिस्टम मस्ट बी इंफॉर्मेटिव, जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इंफॉर्मेशन इंटेंसिव होना चाहिए, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो ताकि आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके। क्योंकि अगर आपके पास सूचना ही नहीं होगी तो आप डिसीजन कैसे ले लोगे। ठीक है, तो मार्केटिंग का जो मैनेजर है वो जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करता है तो उससे पहले उसके पास में कोई डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए। तो बोलते हैं द लॉजिस्टिक सिस्टम मस्ट बी इंफॉर्मेटिव इंटेंसिव एंड एस्टेब्लिश इलेक्ट्रॉनिक लिंक अमंग ऑल द सिग्निफिकेंट पार्टीज। फाइनली द कंपनी शुड सेट इट्स लॉजिस्टिक गोल टू मैच और एक्सीड द कॉम्पिटिटर सर्विस स्टैंडर्ड एंड शुड इन्वॉल्व मेंबर ऑफ ऑल द रिलेवेंट टीम इन द प्लानिंग प्रोसेस। सभी को उसको उसमें इंक्लूड करना चाहिए। गेटिंग द लॉजिस्टिक राइट हैव कैन हैव ए बिग पे ऑफ। अगर लॉजिस्टिक को अगर एकदम राइट टाइम पे अगर आप उसको अचीव कर लेते हो तो वही आपका मेन जो है वो क्या बनता है, पे ऑफ बनता है। क्यों? क्योंकि अगर टाइमली बेसिस पे सामान मिल गया और टाइमली बेसिस पे आपने सामान आगे पहुंचा दिया वो सबसे बड़ी बात है। टुडे स्ट्रॉन्गर डिमांड फॉर द लॉजिस्टिकल सपोर्ट फ्रॉम द लार्ज कस्टमर विल इंक्रीज द सप्लायर कॉस्ट। क्योंकि वो कस्टमर बारी बारी बोलते हैं मेरे को जल्दी चाहिए, तो उसे सप्लायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कस्टमर वॉन्ट मोर फ्रीक्वेंट डिलीवरी, कस्टमर को जल्दी डिलीवरी चाहिए, सो दे डोंट हैव टू कैरी एज मच इन्वेंट्री। ठीक है, दे वॉन्ट शॉर्टर ऑर्डर साइकिल टाइम विच मीन्स दैट द सप्लायर मस्ट कैरी हाई इन स्टॉक अवेलेबिलिटी, जिसका मतलब ये कि सप्लायर के पास में बहुत सारा सामान पहले से पड़ा होना चाहिए। कस्टमर ऑफन वॉन्ट डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी रादर देन शिपमेंट टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, दे वॉन्ट मिक्स पैलेट्स रादर देन द सेपरेट पैलेट्स, दे वॉन्ट टाइट प्रोमिस्ड डिलीवरी टाइम। तो उनको ये चाहिए कि अगर कंपनी ने 3 दिन बोल दिया 3 दिन में सामान पहुंच जाना चाहिए। दे मे वॉन्ट कस्टम पैकेजिंग, प्राइस टैगिंग एंड द डिस्प्ले बिल्डिंग, सप्लायर कांट से नो टू मैनी ऑफ दीज रिक्वेस्ट। अब जब कस्टमर ये सब रिक्वेस्ट करते हैं तो सप्लायर के लिए मना नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट दे कैन सेटअप द डिफरेंट लॉजिस्टिकल प्रोग्राम विद द डिफरेंट सर्विस लेवल एंड द कस्टमर चार्जेस। स्मार्ट कंपनी विल एडजस्ट देयर ऑफरिंग टू ईच मेजर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कंपनी ट्रेड ग्रुप विल सेटअप द डिफरेंशिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन बाय ऑफरिंग डिफरेंट बंडल सर्विस प्रोग्राम फॉर द डिफरेंट कस्टमर। तो कंपनी अब आजकल ये करते हैं कि अगर जल्दी ऑर्डर चाहिए तो ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, लेकिन आपको 2 दिन के अंदर आपका ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये सब जो है कि हर कस्टमर, अगर कोई कस्टमर जल्दी चाहता है तो उसके लिए आप अलग से आपके पास एक पूरा सिस्टम होना चाहिए आप, और आप उसको नया एक पैकेज प्रोवाइड करवा दें। ओके हाँ जी, ये है जी इट्स ऑल अबाउट द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लॉजिस्टिक क्या होता है, इंटीग्रेट लॉजिस्टिक सिस्टम क्या है, 7 R कौन कौन से हैं, वो सारा हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ओके हाँ जी, ये जो 4 जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर लोगे जी सर? लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, उसको अगली क्लासेस के अंदर हम सही करेंगे। और अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।